नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी रावण ने मरते समय लक्ष्मण को क्या उपदेश दिए थे। जिस समय रावण मरणासन्न की अवस्था में धरती पर पड़ा हुआ था, राम ने लक्ष्मण से कहा, राजनीति शास्त्र का महान विद्वान इस दुनिया से विदा ले रहा है। तुम जाकर उस प्रकांड विद्वान से कुछ जीवन की शिक्षा ले लो। भैया के आज्ञा अनुसार लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण वापस भैया राम के पास चले आए। राम ने इसे देखकर कहा, लक्ष्मण, शिक्षा हमेशा गुरु के चरणों के पास बैठकर ली जाती है। यह सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर बैठ गए। तब महाज्ञानी और प्रकांड विद्वान रावण ने लक्ष्मण को जीवन की तीन अमूल्य बातें बताईं। पहला उपदेश। रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहले बात यह बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं। क्योंकि रावण ने कई शुभ कार्यों को किसी कारणवश टाल रखा था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाया, तथा अशुभ कार्यों को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। दूसरा उपदेश। रावण ने लक्ष्मण को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात बताया कि शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है, तथा छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण बने। तीसरा उपदेश। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की यह बात बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वह रहस्य प्रकट हो गया तो उसका जीवन पर बुरा असर भी पड़ सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड का रहस्य विभीषण द्वारा प्रकट होने पर ही रावण का वध हुआ। रावण ने मरते समय लक्ष्मण से क्या कहा था, यह तो आप जान चुके हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को कही गई ये तीन बातें आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाज्ञानी की यह तीन बातें आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।